हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक था। 1880 से 1884 तक था। इनको क्या कहा जाता है, गुड वायसराय ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने इंडिया से को लेकर बहुत अच्छे काम किए थे। तो उसमें से इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं कौन कौन से। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था वो 1881 में इन्होंने ही इनैक्ट किया था, स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ गिल्बर्ट बिल इन्हीं के शासनकाल में आया था। द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने स्टार्ट किया था, इन्होंने उसको खत्म किया था 1882 में। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। और हंटर कमीशन इन्हीं के उसमें आया था, केम इन टू 1882 1882 में। और हंटर कमीशन किससे रिलेटेड था, एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड था। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने लॉर्ड रिपन को क्या कहा था, द सेवियर ऑफ इंडिया, भारत का उद्धारक। तो ये लॉर्ड रिपन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।